शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्म भूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की, नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है? प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी में। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमौला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमौला नमकीन। सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं बल्कि वास्तव में जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम हम जिनको बोल सकते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही देश के धुनंदर हास्य विनोदी, जो जिनका स्वभाव ही है, और इसलिए हास्य कवि नहीं मैं इनको बोलना चाहता हूं कि दो विदूषक बहुत अपने समय में रहे। एक तो दक्षिण में तेनाली रामा को जब हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अनिल अग्रवंशी जी की छवि नजर आती है। जोरदार तालियों के साथ हम अनिल अग्रवंशी जी का स्वागत करें, जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है। उसका नाम होता है श्री हंसराज रलहन। श्री हंसराज रलहन कंपनी चंदा कैसेट्स और मैना कैसेट्स के आप चेयरमैन हैं, और संभवतः नहीं सुनिश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि टी सीरीज सरीखी कंपनियों में शुमार जिनका नाम होता है वो चंदा कैसेट्स का नाम होता है, सोनाटेक का होता है। और आपने कितने ही, चाहे वो सपना चौधरी हो, चाहे वो हरियाणा के लोकगीत हों, लोक कलाकार हों, और ऐसे लोगों को आपने मंच प्रदान किया, हजारों लोगों को आपने प्रतिष्ठा तक पहुंचाया है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर हास्य व्यंग के कवि श्री अनिल अग्रवंशी जी। अनिल अग्रवंशी जी बहुत ही छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे ऐसे बिंदु होते हैं जैसे कि कमीज पे लगा हुआ कोई एक हल्का सा भी दाग होता है उसको भी उनकी नज़र जाती है और उसका निवारण कितनी सफाई से कर देते हैं। ड्राई क्लीनर वाला भी परेशान हो जाता है कि ये हमारा व्यवसाय बंद करके मानेगा। इसी प्रकार जो हमारे बीच में मॉरल एजुकेशन वाले हैं वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अनिल अग्रवंशी यदि रहा तो हमारी जो क्लास है वो भी बंद हो जाएगी। ऐसे में हास्य कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अनिल अग्रवंशी। बोलूँ आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हास्य कवि अनिल अग्रवंशी निरंतर सतमौला कवियों की चौपाल पर आपके समक्ष रहता हूँ, और प्रवीण आर्य जी, रणिल मित्तल जी और उनकी पूरी टीम साधना चैनल को बधाई देता हूँ कि कवियों को, साहित्य को देश में किस प्रकार से आगे ले जा रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं पर मेरा कहीं ध्यान जाता है तो मैं उसके ऊपर हास्य व्यंग करता हूँ, और हास्य व्यंग के माध्यम से चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रेरणा दी जाए।
क्योंकि हम ज्ञान तो बहुत देते हैं, आजकल मोटिवेशनल लेक्चरर्स भी सुनते हैं, हम मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, बहुत सारे हमारे मोटिवेशन लेक्चरर टीवी पर भी दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों अगर किसी बात को अलग अंदाज से कहा जाए तो उसका असर पड़ता है। शादियों में जाते हैं, बीमारी हर घर में हो गई, गैस की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी, ना जाने कितनी बीमारियों ने घेर लिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा नाजायज खाना, और उस खाने के पीछे अगर खाना हम ऐसा खाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हमको परेशान करते हैं, हमारी जिंदगी लाइफ में बड़ा दिक्कत का काम होता है जब हम बीमार रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खुराक, और इसके पीछे एक मैसेज ये है कि हम शादी ब्याहों में तमाम ऐसा खाना यूज करते हैं, उसके बाद जितना झूठा छोड़ते हैं, बाहर जाके वो गरीब बच्चे वो भूखे पेट उस खाने का इंतजार करते हैं जिसे हम नालियों में बहा देते हैं। वहीं से एक हास्य व्यंग का विषय लिया है, सुनिएगा साहब आप। बिल्कुल, तीन व्यक्ति हैं और उनके मोटे मोटे पेट आपस में बातें कर रहे हैं। तीन व्यक्ति हैं और उनके मोटे पेट आपस में, इसके अंदर निर्जीव चीज बात कर रही है। इस कविता की खास बात यह आशीष भाई, निर्जीव चीज बात कर रही है कि एक बार कई मोटे मोटे पेट आपस में बतिया रहे थे, खाने के बेहतरीन किस्से सुना रहे थे। एक बार तीनों मोटे पेट आपस में बतिया रहे थे, अपने मालिकों के खाने के बेहतरीन किस्से सुना रहे थे। एक पेट बोला, यार मेरा मालिक तो खाने से कभी नहीं थकता है, जितना लोग भरपेट खाते हैं उतना तो चखता है। जितना लोग भरपेट खाते हैं उतना तो ये चखता है। दूसरा बोला, मेरे वाले ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। दूसरे वाला बोला, मेरे वाले ने तो खाने में रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है, इतना खाता है लोगों ने भंडारे तक में बुलाना छोड़ रखा है। वाह क्या बात है, लोग भगवान जाने इतना सब कैसे पचाता है, भरपेट खाने के बाद भी भरपेट खाता है। भगवान जाने इतना सब कैसे पचाता है, भरपेट खाने के बाद भी भरपेट खाता है। तीसरा पेट बोला, बंद करो ये बचकाने की, तीसरा पेट बोला बंद करो ये बचकाने की, से ऐसा लगता है मजाक है, मेरे वाला पेट तुम सबसे ज्यादा खतरनाक हो। क्या बात, तीसरा बोला बंद करो ये बचकाने की, से ऐसा लगता है मजाक है, मेरे वाला पेट बोटू तुम सबसे ज्यादा खतरनाक है। कल ही शादी का एक निमंत्रण आया, कल ही शादी का एक निमंत्रण आया, पट्टे ने 101 के लिफाफे में हजारों का सामान निपटाया, बाद में मेरे ऊपर हाथ फेरते हुए बोला, यार पेट मजा नहीं आया। बाद में मेरे ऊपर हाथ फेरते हुए बोला, यार मजा नहीं आया। मैं बोला, अबे अखंड खाऊ। मैं बोला, अबे अखंड खाऊ, 24 घंटे निपटाऊ, बिना स्वाद के ही इतना सब निपटा दिया, एक बार भीतर झांक कर देख क्या हाल मचा दिया। एक बार भीतर तो झांक, पेट कह रहा है एक बार भीतर तो झांक कर देख क्या हाल मचा दिया। इतना सुनते ही जालिम ने रसगुल्ला और सरका दिया। इतना सुनते ही जालिम ने रसगुल्ला और सरका दिया। घुसते ही रसगुल्ला बोला, भैया किधर से आऊं। घुसते ही रसगुल्ला बोला, भैया किधर से आऊं, दम घुट गया, मैं कहां को जाऊं। मैं बोला, ठहर यार, पहले थोड़ी जगह तो बनाऊं। तभी पीछे से जलेबी चिल्लाई। कब से गर्दन में फंसी बैठी हूं पेट भाई, और पीछे से धक्के मार रही है कमबख्त रसमलाई। वाह 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 वाह, और पीछे से धक्के मार रही है। मैं बोला, अभी तो चाउमीन में उलझा पड़ा हूं। मैं बोला अभी तो चाउमीन में उलझा पड़ा हूं। तभी पीछे से समोसा चिल्लाया, भैया मुझे मत भूल जाइयो, बहुत देर से लाइन में खड़ा हूं। इतनी देर में कहते, इतना सुनते ही मोटू ने मिर्ची का एक बड़ा पकोड़ा सरका दिया। भीतर बैठी कई मासूम चीजों को मरवा दिया। कुलचे को किसी ने बुरी तरह कुचल डाला। कुलचे को किसी ने बुरी तरह कुचल डाला। बेचारे ढोकले को तो हलवे की तरह मसल डाला। छोटे छोटे बेबी कॉर्न, छोटे छोटे बेबी कॉर्न धाड़े मार मार के रोने लगे। मर गए। छोटे छोटे बेबी कॉर्न धाड़े मार मार के रोने लगे। मासूम गुलाब जामुन बिना पचे ही नीचे होने लगे। आलू की टिक्की का तो सर ही फूट गया। बेचारी राज कचोरी का तो सिंहासन ही टूट गया। और असली त्राही तो तब मची जब उसने बेमौसम की मूली चखी। दही बड़े ने तो साफ कह दी, भैया पेट इसे हमारे साथ मत खाया करो, हमेशा वातावरण दूषित
करती है, इसे और ही कहीं निपटाया करो। मैं अभी नाभि से बाहर झांक रहा था, पेट कह रहा मैं अभी नाभि से बाहर झांक रहा था, वो कंबखत हाथ में तिल्ले वाली कुल्फी लिए दूध की कढ़ाई ताक रहा था। वो कंबखत हाथ में तिल्ले वाली कुल्फी लिए दूध की कढ़ाई ताक रहा था। वो तो शुक्र है मुसीबत हाथों हाथ टल गई, भाई साहब ऐसी ऊक चूक लगी तिल्ली पे से कुल्फी फिसल गई। बहुत अच्छे, बहुत तिल्ले पे से कुल्फी फिसल गई। मैं बोला अबे एक आधे स्टाल से तो मुंह मोड़ ले। मैं बोला अबे कंबखत, पेट बोला अपने मालिक से अबे कंबखत एक आधे स्टाल से तो मुंह मोड़ ले, कम से कम दवाई लेने की जगह तो छोड़ दे, कम से कम दवाई लेने की जगह तो छोड़ दे। जरा से स्वाद के लिए तूने मुझे इतना बेहाल मत कर, जरा से स्वाद के लिए, जरा से जीभ के स्वाद के लिए, अरे मुझे इतना बेहाल मत कर। जो पेट कई दिनों से भूखे पड़े हैं कभी उनका भी तो ख्याल कर, कई दिनों से भूखे पड़े हैं कभी उनका तो ख्याल करे। अरे मैंने तो सुना था, मैंने तो सुना था इंसान सृष्टि का सबसे समझदार प्राणी है, मैंने तो सुना था कि ये इंसान सृष्टि का सबसे समझदार प्राणी है, पर उसे आज तक यह तमीज नहीं आई कि कौन सी चीज कहां किस वक्त कितनी मात्रा में खानी है। आज तक उसे यह तमीज नहीं आई कि कौन सी चीज कहां किस वक्त कितनी मात्रा में खानी है। इस खूबसूरत देह को कचरे का घर बना डाला, इस खूबसूरत देह को हमने कचरे का घर बना डाला, रगों में दौड़ते लहू को जहर बना डाला। जिंदगी को खुद ही खुद दांव पर लगा रहे हैं लोग, जिंदगी को खुद ही दांव पर लगा रहे हैं लोग। अरे बेवजह बे इंतहा इतना क्यों खा रहे हैं लोग, बेवजह बे इंतहा इतना क्यों खा रहे हैं लोग। आइए दोस्तों आज से कुछ खाने के कुछ नियम बनाए, आइए दोस्तों आज से ही खाने के कुछ नियम बनाए, हमेशा पौष्टिक और संतुलित भोजन खाएं, दुनिया में कोई भी पेट भूखा ना रह पाए। इसलिए अन्न को थाली में कभी झूठा ना बचाए, अन्न को कभी झूठा ना बचाए, क्योंकि जिस दिन हर प्राणी को भरपेट भोजन मिल जाता है, जिस दिन हर प्राणी को भरपेट भोजन मिल जाता है, यकीन मानिए उस परमात्मा का चेहरा भी खिल जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अनिल भाई। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, इंसान को हर इंसान को भूखे पेट ना रह पाए इसके लिए हम भोजन की बर्बादी ना करें, अन्न की बर्बादी ना करें। इसके साथ साथ मैं उनकी भी बात करना चाहता हूँ जिनके पास भोजन वो खरीद के खा ही नहीं सकते, उनके पास पैसे भी नहीं होते ना उनके पास जुबान होती। मैं बात कर रहा हूँ पशुओं की, बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गाय की, बात कर रहा हूँ गौ माता की, बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीट डॉग्स की, बात कर रहा हूँ। अभी एक इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छी पोस्ट एक देख रहा था, वो पोस्ट थी एक जो डॉग है वो सुबह सुबह के रो रहा है, और एक तो रोना होता है ना किसी की मौत की आहट को होता है, कुत्ता रो रहा होता है, बस वो सुबक रहा है, और ऊपर किसी ने लिखने वाले ने कितनी शानदार पंक्तियां लिख दी कि अगर तुम्हारे पास रोटी देने की औकात, खिलाने की औकात नहीं है तो कम से कम हमें मारे भी मत करो, दर्द हमें भी होता है। और हमारे बीच में हमारा परम सौभाग्य है, सुदूर विदेश से हमारे बीच में, रूस से हमारे बीच में पधारी हैं, मास्को से पधारी हैं, वहाँ पर भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका फहराने वाली श्वेता सिंह उमा जी। श्वेता सिंह उमा जी वहाँ पर रेडियो जॉकी हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर भारतीय किशोर किशोरियों को भारतीय वेशभूषा, संस्कृति, खान पान, उनके बारे में आप शिक्षा देती हैं, दीक्षा देती हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पर एक साहित्यिक संगठन भी आप काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, और ऐसी एक विभूति हमारे बीच में सतमोला कवियों के चौपाल में हमारे बीच में पहुंची हैं। और ये सतमोला कवियों के चौपाल का परम सौभाग्य रहा है कि हमारे इस शो से इन 19 वर्षों में करीब करीब 17 देशों से हमारे बीच में साहित्यकार कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्वेता सिंह उमा जी। बहुत अच्छी कवित्री हैं, हिंदी कवित्री हैं। मैं उनके लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की दो पंक्तियों के साथ मैं उनका आमंत्रित करना चाहता हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। श्वेता सिंह उमा। क्या बात है, माफ़ करो। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं श्वेता सिंह उमा मॉस्को रूस से आई हूँ, और इस इतने बड़े मंच पे बुलाने के लिए प्रवीण जी का बहुत बहुत शुक्रिया।
और दिल से लिखती हूँ, उनको शब्दों में बांधती हूँ, वो गज़ल बनती है, नज़्म बनती है, रुबाई बनती है, गीत बनती है, मुझे नहीं मालूम, दिल से लिखती हूँ और मेरा इरादा होता है लोगों के दिल तक पहुँचे। तो पहले आपको एक रुबाई से जोड़ती हूँ, कहती हूँ कि उसे एक रब के इतने मज़हब क्यों हैं, उसे एक रब के इतने मजहब क्यों हैं, खुद को अव्वल बताने को बेसबब क्यों हैं, उसे एक रब के इतने मजहब क्यों हैं, खुद को अव्वल बताने को बेसबब क्यों हैं, सच है कि हर रूह से झांकता है तू, सच है कि हर रूह से झांकता है तू, तेरी औलाद फिर इतनी बेअदब क्यों, फिर इतनी बेअदब क्यों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और रुबाई आप तक पहुँचाती हूँ। ये कोरोना के समय जो हम सब के अंदर एक डर बैठ गया था, उस पे लिखा था कि जहन के दरीचे से जो ये डर हौले से झांकता है, जहन के दरीचे से जो ये डर हौले से झांकता है, तेरे हौसले के जखीरे को चुपके से आंकता है। जहन के दरीचे से जो ये डर हौले से झांकता है, तेरे हौसले के जखीरे को चुपके से आंकता है। उम्मीद जब तक निगहबां होगा तेरा, उम्मीद जब तक निगहबां होगा तेरा, तुझे हरा न पाएगा वो इबलिस भी जानता है, तुझे हरा न पाएगा वो इबलिस भी जानता है। बहुत शुक्रिया। तो एक तरन्नुम में आपको अपनी नज्म से जोड़ती हूँ। मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। बेरंग थी मेरी ये जिंदगानी, कुछ तो अधूरी थी मेरी ये कहानी, शोख रंगों से बनी एक तस्वीर हो गई, रिंद की शराब से मैं जुए शीर हो गई। जुए शीर दूध की नदी जो पवित्र नदी है। रिंद की शराब से मैं जुए शीर हो गई, मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। इसका बंद देखिएगा। तेरी बेरुखी ने तो जब भी रुलाया, चश्मे नम के गौहर मैंने कमाया। तेरी बेरुखी ने तो जब भी रुलाया, चश्मे नम के गौहर मैंने कमाया। ये मोतियाँ मेरी जागीर हो गई, मुफलिसी में हो के भी मैं अमीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। और इसका अगला बंद मैं मजहबी एकता को समर्पित करती हूँ। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। मैं तो सिफर से
बेनजीर हो गई उल्फत मेरा ना के मैं तो हीर हो गई। बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह। उमा जी ने जिस प्रकार से ये एक गीत रखा और मैं अपने जब मैं अपनी बात करता हूँ तो हमारे ज़्यादातर साहित्य के अंदर कव्वाली और कई प्रकार की एक पहेलियों का भी चलन हुआ अमीर खुसरो के टाइम बात कई हम बात करते हैं और वहीं से एक परंपरा निकली थी तिलक छाप सब छीनी मुँह से नैना मिला दे जाए उसके भाव के अंदर जाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं कराहे चीखें चित्कार भी नजर आएंगी। लेकिन जब श्वेता सिंह उमा बात करती हैं हिंदू मुसलमान से कबीर होने की बात करती है हमें कबीर और रहीम चाहिए कबीर और रहीम की बात करते हैं तो ये आज की एक सार्थकता है। बहुत अच्छी एक आपने कविता रखी गीत रखा मैं आपको बड़ा साधुवाद देता हूँ जोरदार ताली के साथ। इसी क्रम में आइए जुड़ते हैं देश की एक ऐसी कवयित्री जो आज अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी एक विशेष पहचान बना चुकी हैं। वो अपने शब्दों के माध्यम से अपनी शब्दावली से जो गीतों की रचना कर रही हैं वो गीत आज लोगों की जुबान पर गुनगुनाते हुए उन्हें देखा जा सकता है। मैं बुलाना चाहता हूं सुषमा सवेरा जी को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल मेरे लिए कोई नई चौपाल नहीं है। मैं प्रवीण जी का शुक्रिया अदा करती हूं जो मुझे वो समय समय पर काव्य पाठ के लिए बुलाते रहते हैं। तो मैं एक गीत आपको सुनाती हूँ उसके बाद फिर देशभक्ति का एक गीत आपके सामने रखूंगी। स्वागत है। ये ढलती ढलती शाम है ये ढलती ढलती शाम है ये शाम तेरे ही नाम है तू कहे तो मैं जी उठूं तू कहे तो मैं जी उठूं तू कहे तो मर ही जाऊं मैं। हाय 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 क्या बात है। ढलती ढलती शाम है उस माँ को है मेरा नमन जिसने दिया तुमको जन्म उस माँ को है मेरा नमन जिसने दिया तुमको जन्म उस पिता को शीश नवाती है उस पिता को शीश नवाती हूँ जिनसे मिले सरताज है ढलती शाम है ये शाम तेरे ही नाम है ये जो ढलती ढलती शाम है। और एक गीत जी देश के नाम देश को समर्पित कि जब बच्चा है। छोटा होता है तो माँ क्या संस्कार देती है जीवन के लिए भी और इस देश के लिए भी वो मैं आपके सामने रखती हूँ। ये वतन है मेरा ये वतन है मेरा ये वतन है तेरा रात भर ये ही कहती रही मेरी माँ रात भर ये ही कहती रही मेरी माँ दोष पर दोष माँ को वो देती रही दोष पर दोष माँ को ही देती रही फिर भी आगे ही बढ़ती रही मेरी माँ फिर भी आगे ही बढ़ती रही मेरी माँ तन से कपड़े नुचे
तन से कपड़े नुचे, मन दुखों से भरा, फिर भी खुद को संभाले रही मेरी माँ। मर्ज बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया, फिर भी तन को संभाले रही मेरी माँ, फिर भी तन को संभाले रही मेरी माँ। जिसको जो कुछ मिला छीन कर ले गया, जिसको जो कुछ मिला छीन कर ले गया, हाथ की चूड़ियाँ लूट कर ले गया, हाथ की चूड़ियाँ लूट कर ले गया। पूछने पर भी जा ने क्यों चुप ही रही, दर्द आँखों से उसका बयां हो गया, दर्द आँखों से सब कुछ बयां हो गया। मैं बदलती रही रात भर करवटें, मैं बदलती रही रात भर करवटें, मैं बदलती रही रात भर करवटें, माँ की तकदीर को जाने क्या हो गया, माँ की तकदीर को जाने क्या हो गया। बहुत खूब। अभी शीर्षस्थ कवियों को सुनने के बाद में आज मैं नवांकुर कवियों की श्रेणी में भी उन अनुभवों को लेकर के आपके बीच में आया हूं कि आगे का कार्यक्रम भी आपको एक आनंदपूर्ण वातावरण देगा, एक सीखपूर्ण वातावरण देगा। हम सबके बीच में आज उपस्थित हैं डॉक्टर अलका शर्मा जी, दिल्ली से। शब्दों की जादूगरनी है वो, और वो आज अपनी शब्दावली से हम सब लोगों को आनंदित करने के लिए आ चुकी हैं। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर अलका शर्मा जी। सभी को मेरा नमस्कार। और आज का मेरा विषय है अखंड भारत जी। हमारा भारत वर्ष, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति का वाहक है, सभी धर्मों की संस्कृतियों का संगम स्थल होने के कारण मानो इसमें विविधताओं का जादू है। मैं आज़ादी के 75वें महोत्सव के उपलक्ष्य में नई पीढ़ी को एक उनका मार्गदर्शन करने हेतु कम से कम शब्दों में एक समग्र भारत का चित्र प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करती हूँ। स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है अखंड भारत जी। स्वागत है। विश्व का सरमोर भारत बना रहे मेरा अखंड भारत, विश्व का सरमोर भारत बना रहे मेरा अखंड भारत, यही हमारी आन बान शान, यही हमारी आन बान शान, इसकी रक्षा हेतु न्योछावर कर दे अपने प्राण। बहुत अच्छे। इसकी रक्षा हेतु न्योछावर कर दे अपने प्राण। देखिए अगली पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। वेद उपनिषद स्मृतियां ब्राह्मण पुराण, यहाँ वेद बहुत अच्छे की स्मृतियां, वेद उपनिषद स्मृतियां पुराण ब्राह्मण आदि, यहाँ रामायण महाभारत और गीता का ज्ञान, यहाँ विश्व शांति का ज्ञान देकर सब, और विश्व शांति का ज्ञान देकर सब और सबका ध्यान खींचे भारत की ओर। बहुत अच्छे। क्या लाखों विघ्न चाहे आ जाएं, निरंतर बढ़ो लक्ष्य की ओर, कभी नहीं छोड़ो आशा की डोर, कभी नहीं छोड़ो आशा की डोर। और देखिए प्राकृतिक सुषमा, क्रमशः वेश बदलती ऋतुएं, क्रमशः वेश बदलती ऋतुएं, करे प्रकृति का नित नव शिंगार, क्रमशः वेश बदलती ऋतुएं करे प्रकृति का नित नव शिंगार, सुदूर फैली हरितिमा युक्त सघन वन, उपवन करे हर्षित सबका मन। अलग अलग है भाषा इसमें, अलग अलग है बोली, प्रेम रस में अभिषिक्त होकर सभी मनाए क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद, दिवाली और होली। भांति भांति के परिधान यहाँ,
भारत की विशेषता है कि भांति भांति के परिधान यहाँ, नाना विध पकवान यहाँ, अनेकत्व में एकत्व का मिलता स्पष्ट संदेश यहाँ। राम कृष्ण गौतम शंकराचार्य का ये पावन देश, राम कृष्ण गौतम शंकराचार्य और गांधी का ये पावन देश अहिंसा परमो धर्म का देता सबको संदेश। बहुत अच्छे। बसते थे यहाँ दान वीर कर्ण दधीची जैसे दानी यहाँ, बसते थे यहाँ दान वीर कर्ण जैसे महादानी, अतिथि देवो भव की रीत बहुत पुरानी। बहुत अच्छे। बड़ों को नित्य अभिवादन करने का संस्कार जहाँ, बड़ों को नित्य अभिवादन करने का संस्कार जहाँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यही आदर्श मानकर हर नारी का सम्मान यहाँ। रघु आज दशरथ राम जैसे रघुवंशी और कहाँ। अगर आप अतीत गौरवशाली अतीत को देखेंगे तो रघु आज दशरथ राम जैसे रघुवंशी और कहाँ, चंद्रशेखर सुभाष भगत सिंह वीर सावरकर जैसे बलिदानी और कहाँ, झांसी की रानी महाराणा प्रताप गुरु गोविंद सिंह पृथ्वीराज जैसे रणबांकुरे यहाँ, रिपु समक्ष काल सदृश शत्रुओं का भी मान मर्दन करने वाली थल सेना यहाँ, महासागर महासागर का सीना चीर कर शत्रु का संहार करने वाली जल सेना यहाँ, और प्रलयंकारी बम वर्षक जाबाजों की वायु सेना यहाँ, और सबसे इन सबसे ऊपर क्या है कि मातृभूमि की रक्षा हेतु, मातृभूमि की रक्षा हेतु हंसते हंसते प्राणों उत्सर्ग करने वाले माँ भारती के सच्चे करोड़ों सपूत यहाँ। सारे विश्व में घूमो पर बोलो, सारे विश्व में घूमो पर बोलो भारत जैसा देश, देश को। और सतमौला कवियों की चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद एक देश से पधारे नए और प्रतिष्ठित गीतकारों के साथ, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सतमौला चटकारे भरे ब्रेक के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। आप जो टीवी स्क्रीन के सामने अभी तक बैठे हुए हैं, ये बात ये दर्शाती है कि सतमौला आपके हृदय को छूने वाला कार्यक्रम है, और इस हृदय को छूने वाले कार्यक्रम में जो गणतंत्र दिवस की बात की है, उस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं बुलाना चाहता हूँ ब्रजबान सिंह यादव जी को सागर से, कि वो अपने सागर में जितना भी देश के प्रति प्रेम बटोर करके लाए हैं, उस प्रेम की एक झलक यहाँ पर हर देशवासी के सम्मुख, हमारे श्रोता बंधुओं के सम्मुख देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रजबान सिंह यादव जी को। मैं ब्रजबान सिंह यादव सागर मध्य प्रदेश से, सबसे पहले आर्य जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए सतमौला कवियों की चौपाल का बहुत बहुत आभार एवं सभी मंचासीन प्रबुद्ध जनों के लिए सादर नमस्कार। हाँ हाँ। मैं चार लाइनों के बाद अपनी कविता पर आता हूँ। आज हम व्यक्त अपने जज्बात करेंगे, आज हम व्यक्त चल रहे अपने जज्बात करेंगे, जो वतन के हित में हो वो बात करेंगे, बढ़ते हैं मेरे दुश्मन तो बढ़ जाएं, बढ़ते हैं मेरे दुश्मन तो बढ़ जाए, यशस्वी हो देश मेरा हम वो हालात करेंगे। अब मैं अपनी मूल कविता पर आता हूँ। हाँ हाँ, स्वागत जो है। हमारे कुछ देश के अंदर जो गद्दार हैं, हाँ। ऊपर से मैंने लिखी है चुन चुन के देश की एक आवाज जो आज निकल के आ रही है, बिल्कुल करना चाहूंगा। हाँ। विश्व गुरु के ताज को हम ही संभाले होते, विश्व गुरु के ताज को हम ही संभाले होते, अगर वतन की आस तीन में सांप ना पाले होते। क्या अगर वतन की आस तीन में बहुत अच्छे सांप ना पाले होते,
आगे पूर्व जनों के कर्मों के अभिशाप अगर ना होते, पूर्व जनों के कर्मों के अभिशाप अगर ना होते, कुछ भारतीयों के दो दो बाप अगर ना होते। क्या बात, बहुत अच्छे। पूर्व जनों के कर्मों के अभिशाप अगर ना होते, कुछ भारतीयों के दो दो बाप अगर ना होते, सच्चे मन से भारत के सभी भारतवासी होते, तो जगत नियंता जगत गुरु हम अविनाशी होते। इनके ही कुकर्मों को हम ढोते धोते फिरते हैं, विश्व मंच पर मानवता पर हम प्रश्नों पर घिरते हैं। ऐसी गंदे खूनी संतानों को अगर हम ना पाले होते, अगर वतन की आस तीन में सांप ना पाले विश्व गुरु के ताज को हम ही संभाले होते, विश्व गुरु के ताज को हम ही संभाले होते। आगे भारत माँ के आंचल को जो खूनी दाग लगाता है, भारत माँ के आंचल को जो खूनी दाग लगाता है, अपनी माँ के सीने से जो मांस नोच के खाता है, जो दर्द पेरा है। वाह, भारत माँ के आंचल को जो खूनी दाग लगाता है, अपनी माँ के सीने से जो मांस नोच के खाता है, जो कश्यप की भूमि से ब्रह्मों को दूर भगाता है, जो हरियाली घाटी में खूनी नदी बहाता है, जो संतों की भूमि को खूनी करने बैठे हैं, जो अपने आगे मानवता को मोनी करने बैठे हैं, सीने पर बैठे ऐसे दुश्मनों के लाले होते, अगर वतन की आस तीन में सांप ना पाले होते, विश्व गुरु के ताज को संभाले होते। अगली पंक्ति पे ध्यान दें, हम वतन में ना जाने ऐसे कितने दुश्मन बैठे हैं, हम वतन में ना जाने ऐसे कितने दुश्मन बैठे हैं, जो दूध पिलाने वाली माँ का खून चूसने बैठे हैं, ऐसे कायरना मर्दों का कुछ अभिनंदन करते हैं, राजनीति और कुर्सी को कुछ सिर बंदन करते हैं। बहुत अच्छे, गेहूं के संग उनको भी अब मक्खी तरह मसलना होगा, पहले घर के गद्दारों को वतन से खाली करना होगा, सभी सपोलों के गिन गिन कर अब मोह काले होते, अगर वतन की आस्तीन में सांप ना पाले होते, विश्व गुरु के ताज को हम ही संभाले होते। घरू भेड़ियों को अब तुम साकार बनाना छोड़ो, जो भेड़िया हैं, घरू भेड़ियों को अब तुम साकार बनाना छोड़ो, जो ना हुआ वतन का, जो ना हुआ वतन का उस पर प्रेम जताना छोड़ो, देशद्रोही गंदी नस्लों को जड़ से मिटवा दो, चंद्रकाल को दिल्ली वालों सेना के बंधन खुलवा दो, अल्पकाल में सभी सपोले सदा विदा हो जाएंगे, इस दुनिया के उच्च शिखर पे हम सदा सदा हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। इस दुनिया के उच्च शिखर पे हम सदा सदा हो जाएंगे, दुनिया का हम पथ प्रदर्शन करने वाले होते, अगर वतन की आस्तीन में सांप ना पाले होते, विश्व गुरु के ताज को हम ही संभाले होते, विश्व गुरु के ताज को हम ही संभाले। ब्रजभानजी, आपने अपनी कविता से जो कहा हुआ कि विश्व गुरु के ताज को हम ही संभाले होते, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये भारत है और भारत हमेशा से विश्व गुरु के ताज को संभाले हुए है, चाहे वो सृष्टि को योग देना हो, चाहे पूरे जगत को शांति सद्भाव का माहौल देना हो। आज G20 जैसे देशों की अध्यक्षता करने के बाद में, आज विभिन्न मुद्दों पर जब पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा होता है, तब हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। दो चार जयचंदों के होने से हम परेशान तो हो सकते हैं, मगर परास्त कभी नहीं हो सकते। अच्छी बात। आपने अपनी बुलंद रचना से जो हम सबके मन को मोहित किया हुआ है, ये बुलंद रचना हमको बुलंद शहर की ओर ले जाती है और कविता की सलिल धारा की ओर। हम डॉक्टर आदित्य प्रकाश तिवारी जी को बुलाते हैं कि वो अपने प्रकाश से, अपने सूर्य के प्रकाश से वो हम सब में एक ऐसी कविता की सलिल को बहाए कि हम इस कविता को और अच्छे शिखर की ओर ले जाएं। एक जोरदार तालियों से स्वागत। आज देश की वर्तमान स्थिति क्या है, पंक्तियां देखिए कि दो बार भोजन उनको भी नसीब नहीं है जो खून पसीने को एक करते हैं। अरे हमने भी देखे हैं समाजवादी देश के लोग, जो भूख से ही नहीं बदहजमी से भी मरते हैं, बहुत अच्छे। और देखिए देश की इस वक्त क्या स्थिति हो रही है, स्वागत है कि बुझ दिली अब हो गई पर्याय स्वाभिमान का, बुझ दिली अब हो गई
पर्याय स्वाभिमान का, बुझ दिली अब हो गई पर्याय स्वाभिमान का, और भ्रष्टाचारी जांच करता, भ्रष्टाचारी जांच करता सच्चे निष्ठावान का, भ्रष्टाचारी जांच करता सच्चे निष्ठावान का, और उल्टी गंगा बह रही है अब हमारे देश में, उल्टी गंगा बह रही है अब हमारे देश में, जुगनुए हैं कर रही अब आकलन दिनमान का, जुगनुए अब कर रही हैं आकलन दिनमान का। क्या बात है, आज हमारा जो जीवन है वो आडंबर से भरपूर हो गया है, हम हैं तो कुछ और दिखना कुछ और चाहते हैं, इसलिए हम आडंबर पर आपके समक्ष एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वागत है दद्दू। कि आडंबर के खोंखों में रहते रहते मन ऊब गया है, आडंबर के खोंखों में रहते रहते मन ऊब गया है, चलो चलें यथार्थ की बगिया में थोड़ा विचरण कर आएं, और जीवन के आदर्शों को फिर एक बार मन से अपनाएं। कि आडंबर के खोंखों में रहते रहते मन ऊब गया है, पहला बंद देखिए कि ईश्वर ने सब दे रखा है पर कैसे उपभोग करें, सकल पदार्थ है जगमाई, कि ईश्वर ने सब दे रखा है पर कैसे उपभोग करें, लेने से पहले कुछ भी इस मन मंदिर को साफ करें, तो है कोई ऐसा साबुन, तो है कोई ऐसा साबुन जो मन का मैलापन धोए, है कोई ऐसा साबुन जो मन का मैलापन धोए, और कीचड़ बदबू साफ करे, और बीज स्वच्छता के बोए, तो तन ने बहुत नहाया है, तन ने बहुत नहाया है, अब आओ मन को भी नहलाएं, और जीवन के आदर्शों को फिर एक बार मन से अपनाएं, कि आडंबर के खोंखों में रहते रहते मन ऊब गया है। दूसरा बंद देखिए कि लतिकाएं ऊंचाई पाकर, लतिकाएं ऊंचाई पाकर और अधिक बढ़ती हैं, लतिकाएं ऊंचाई पाकर और अधिक बढ़ती हैं, और अभिलाषाएं अवसर पाकर और अधिक बढ़ती हैं, अभिलाषाएं अवसर पाकर और अधिक बढ़ती हैं, तो काम क्रोध मदलोभ सभी ने हमें पकड़ रखा है, काम क्रोध मदलोभ सभी ने हमें पकड़ रखा है, और माया मोहों के बंधन ने हमें जकड़ रखा है, तो तोड़ें ये जंजाल, तोड़ें ये जंजाल, चलो अब आध्यात्मिकता में खो जाएं, और जीवन के आदर्शों को फिर एक बार मन से अपनाएं, कि आडंबर के खोंखों में रहते रहते मन ऊब गया है। देखिए आज हमारे देश के साधु संत महात्मा जेल में हैं, उस पर लिखा है कि पूजा के माने होता है, पूजा के माने होता है प्रभु में पूर्ण समर्पण, पूजा के माने होता है प्रभु में पूर्ण समर्पण, और शुद्ध भाव और सच्चे मन से कर दूं सब कुछ अर्पण, पूजा के माने होता है प्रभु में पूर्ण समर्पण, और शुद्ध भाव और सच्चे मन से कर दूं सब कुछ अर्पण, किंतु वहां भी देखे हमने खिलते खेल निराले, किंतु वहां भी देखे हमने खिलते खेल निराले, और तिलक और चंदनधारी भी बने वासना वाले, तो ऐसे पाखंडी लोगों से अपने को बेदाग बचाएं, और जीवन के आदर्शों को फिर एक बार मन से अपनाएं। ये जो हम मंदिरों में कहते हैं कि ये हमने अपने पिताजी के नाम से ये कमरा बनवाया है, या हमने इस मंदिर को इतना दान दिया है, उस पर पंक्तियां देखिए कि देने को हम पर ही क्या है, ये देने को हम पर ही क्या है, ये सांसें धरी धरोहर, देने को हम पर ही क्या है, ये सांसें धरी धरोहर, जब चाहेगा ले जाएगा अपनी चीज मनोहर, जब चाहेगा ले जाएगा अपनी चीज मनोहर, तो हम फिर क्यों ऐठे फिरते हैं किसके बलबूते पर, और आ जाएं चुपचाप धरा पर और चलें हम झुककर, तो अब तक है कुचला सबको, अब तक है कुचला सबको, अब आओ सबको गले लगाएं, और जीवन के आदर्शों को फिर एक बार मन से अपनाएं, कि आडंबर के खोंखों में रहते रहते मन ऊब गया है। और जब मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखता घूम रहा था, तो जब मैं एक घर से निकला, स्वागत है, तो मैंने वो पंक्तियां, ये पंक्तियां लिखी हैं जी दद्दू, कि ईश्वर ने भेजा था हमको सेवा करने जग में, आए हाय, ईश्वर ने भेजा था हमको सेवा करने जग में, पर मेरी मति मुझे ले गई आडंबर के मग में, कि ईश्वर ने भेजा था हमको सेवा करने जग में, पर मेरी मति मुझे ले गई आडंबर के मग में, और घर में पैसे चार,
हाय हाय, घर में पैसे चार मगर हम बातें सौ की करते, घर में पैसे चार मगर हम बातें सौ की करते, और जो हैं हम उससे ऊंचे होने का भी दम भरते, जो हैं हम उससे ऊंचे होने का भी दम भरते, तो छोड़ें झूठी शान, छोड़ें झूठी शान, चलो अब असली चेहरे में आ जाएं और जीवन के आदर्शों को फिर एक बार मन से अपनाएं, कि आडंबर के खोकों में रहते रहते मन उब गया है, चलो चलें यथार्थ की बगिया में थोड़ा विचरण कर आएं, और जीवन के आदर्शों को फिर एक बार मन से अपनाएं। बहुत शानदार बंधु, आपकी सामाजिक सरोकार की रचना जो शुरू हुई थी, उस सामाजिक सरोकार की रचना ने हमें एहसास कराया दर्शन का, हमें एहसास कराया अध्यात्म का, हमें एहसास कराया भारत की उस संस्कृति का, जिसने लोगों के बीच में जा जा करके एक समाज का एक ऐसा नज़रिया विकसित किया कि आज लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत को देख करके आगे बढ़ने की, जो हमें इस जीवन में विजय का मार्ग प्रशस्त कराते हैं। और प्रशांत मन से विजय का रास्ता देने के लिए हम सबके बीच में दादा विजय प्रशांत जी आ रहे हैं अपनी एक गीत का लेकर के, जो कि हमको एक ऐसी प्रेरणा देगी, एक ऐसा उद्बोधन देगी जो हमको हारने के बाद भी जीतने का जज्बा बरकरार रखने का मादा विकसित करेगा। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं विजय प्रशांत जी का। सतमौला कवियों की चौपाल को मैं साधुवाद देता हूं कि आप एक ये यज्ञ कर रहे हैं जिसमें नवांकुरों को नए नए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और दूसरे हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है कि आप इस कार्य को आगे चला रहे हैं। इसके साथ मैं अपनी एक गीतिका आप लोगों को समर्पित करता हूँ। स्वागत है दादा। कि हारे हुए इंसान में साहस जगा कर देखिए, हारे हुए इंसान में साहस जगा कर देखिए, रोते किसी के लाल को गोदी उठा कर देखिए, हारे हुए इंसान में साहस जगा कर देखिए, अपनी खुशी में दोस्त को दावत खिलाते हैं सभी, अपनी खुशी में दोस्त को दावत खिलाते हैं सभी, भूखे तड़पते लोगों को रोटी खिला कर देखिए, हारे हुए इंसान में साहस जगा कर देखिए, देवालों में जा सुमन तो हम चढ़ाते रोज ही, देवालों में जा सुमन तो हम चढ़ाते रोज ही, बूढ़े पिता के चरणों में मस्तक झुका कर देखिए, हारे हुए इंसान में साहस जगा कर देखी दे, माता बताती है हमें तुम जीवो पर ना क्रूर हो, शिक्षक बताते हैं हमें तुम जीवो पर ना क्रूर हो, रिश्ते पशु के घाव पर मरहम लगा देखिए, हारे हुए इंसान में साहस जगा कर दे
के और अंतिम है के पत्थर दिखाई दे नहीं। ये उस समय लिखा था जब हमारे कश्मीर में हमारे सैनिकों पर पत्थरों की वर्षा कर रही हो रही थी, बहुत अच्छे उनके हाथ बंधे हुए थे, तब मैं ये लिखता हूँ कि पत्थर दिखाई दे नहीं आतंकियों के हाथ में, पत्थर दिखाई दे नहीं आतंकियों के हाथ में, एक बार देश द्रोहियों की नस इंसान में साहस जगा कर देखिए, साहस जगा कर दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विजय प्रशांत जी, आपकी हारे हुए इंसान में साहस जगा कर देखिए कविता सुनने के बाद में न सिर्फ मैं बल्कि मेरे जैसा हर मन जो दर्शक बनकर के आज टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, एक नए संकल्प के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की तमन्ना ले चुका है। और आपने जो बात कही हुई है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस उम्र में अभी जो आपने माधुर्यता के साथ में इस गीत को गाया, ये एक प्रमाण देता है कि आपने अनवरत शब्द साधना के साथ साथ में स्वर साधना को भी अपने जीवन में उतारा हुआ है। और आप जैसे अनुभवी कवियों के बीच में मैं बैठ करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहा हूं। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं सुरेश पाल वर्मा जी, जो कि जसाला से हमारे बीच में आए हुए हैं, ऐसी कविताओं को लेकर के जो कविताएं हमको आज उसी भारत की उसी देश की वीरता की गाथा सुनाएंगी। एक वीर भाव के साथ में मैं बुलाता हूं बड़े ही अनुभवी कवि श्री सुरेश पाल वर्मा जी। स्वागत स्वागत। माँ शारदे को नमन, आप सभी का वंदन, मस्तक चंदन, और समर्पित है आप सभी के सामने। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जी, उसको मैंने चार पंक्तियों में बांधने का प्रयास किया है। स्वागत है दद्दू, नमन करता हूं वीरों को। ले भवानी का आशीष, ले भवानी का आशीष, जंग में कूदे बजरंगी, कौंद कौंद बिजली कौंदे, कौंद कौंद बिजली कौंदे, रूप धरा है सतरंगी। क्या बात है, आंख बिचोनी सी करके, अरे आंख मिचोनी सी करके ध्वस्त किलों को कर दिया, वीरों के साहस के आगे हुई दिशाएं नवरंगी, हुई दिशाएं नवरंगी। क्या बात, क्या बात, उन वीरों को समर्पित करता हूं। स्वागत। भारत माँ के शेर दहाड़े, भारत माँ के शेर दहाड़े, बरसे अग्नि के शोले, दुश्मन थर थर कांप उठा, दुश्मन थर थर कांप उठा, धधक धधक बरसे गोले, मन में साहस भरा इतना, मन में साहस भरा इतना, शेरों के भी दांत गिने, रणभूमि में तांडव करते, अरे रणभूमि में तांडव करते, जैसे क्रोधित हो भोले, जैसे क्रोधित हो भोले। इसी श्रृंखला में स्वागत मुक्तक देखिए। भारत माँ के शेरों का गर्जन, भारत माँ के शेरों का गर्जन, दुश्मन की छाती चीर गया, हुंकार भरी तो गर्व गया, पापी का मस्तक लीर गया, हुंकार भरी तो गर्व गया, पापी का मस्तक लीर गया, भारत माँ की रक्षा हेतु, अरे भारत माँ की रक्षा हेतु, जो जान हथेली धर बैठे, उन वीरों की यादों में, उन वीरों की यादों में सुख नयन का नीर गया, सुख नयन का नीर गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। इसी परिपेक्ष में एक कहानी को, छोटी सी कहानी को मैंने कविता में बांधने का प्रयास किया है। स्वागत, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत चाहूंगा, स्वागत है। एक आदमी हताश, एक आदमी हताश,
बड़ा ही निराश, आंखों में पानी, आत्महत्या करने की ठानी, आंखों में पानी, आत्महत्या करने की ठानी। फिर सोचने लगा, सोचने लगा कैसे तू प्राण अपने। सोचते सोचते उसे ध्यान आया, जंगल में एक नरभक्षी आया, मैं उसके पास जाऊंगा, उसके भूखे पेट का निवाला बन, उसके भूखे पेट का निवाला बन, संसार से मुक्ति पाऊंगा। इसी उद्देश्य पहुंच गया जंगल प्रदेश। सो रहा था शेर वृक्ष के नीचे लेट, नहीं की देरी जा खींची पूछ केसरी। आई दहाड़ बेसुरी, अरे जा चला जा यहाँ से, क्यों मरता है मेरे हाथों से। अरे जा चला जा यहाँ से, क्यों मरता है मेरे हाथों से। आदमी बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तेरे भूखे पेट का निवाला बन, संसार से मुक्ति पाऊंगा। तेरे भूखे पेट का निवाला बन, संसार से मुक्ति पाऊंगा। शेर बोला अरे नादान, इतना तो मैं तभी समझ गया था जब तूने मुझे सोते को जगाया था। वही आदमी खींच सकता है मेरी पूंछ, जो चाहता है करना दुनिया से कूच। वही आदमी खींच सकता है मेरी पूंछ, जो चाहता है करना दुनिया से कूच। अरे नादान, मैं शेर हूँ, वाह, जंगल का राजा हूँ, राजा कभी भीख नहीं लेता। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, राजा कभी भीख नहीं लेता। बहुत अच्छा, इसलिए तू जा। अच्छा भाई, मुझे नहीं चाहिए दान, तेरे जैसे कायर की जान। मुझे नहीं चाहिए दान, तेरे जैसे कायर की जान। अगर मैं कायर का मांस खाऊंगा मैं भी कायर हो जाऊंगा। फिर मैं जंगल का राजा कैसे रह पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दद्दू सुरेश पाल वर्मा जी ने जो अपनी ओज भरी रचना हम सबको सुनाई, मंच पर बैठे हुए, श्रोता बैठे हुए, हर व्यक्ति के रक्त शिराओं में जो जोश भरा, वो जोश इस बात का प्रमाण है कि ये भारत की ही भूमि पर वीरों का हमेशा से जन्म हुआ है। आपने जसाला से आकर के जो जोश का जलजला पैदा किया लोगों पर, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए और आपने आकर के हम सबके बीच में अपनी ओज भरी रचना से उम्र के हर फासले को तोड़ते हुए कई युवाओं को, नव युवकों को आपने पीछे छोड़ दिया। बहुत बहुत आभार। और इस हृदय को छूने वाले कार्यक्रम में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि, जो कि आज कई नव युवक कवि कवित्रियों को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं एक जोरदार तालियों से। नमस्कार, मैं राहुल श्याम कुंवर नागपुर से एक रचना पेश करना चाहता हूँ। पुलवामा, मीठे लफ्जों में कड़वड़ाहट घोल रहा हूँ, मीठे लफ्जों में कड़वड़ाहट घोल रहा हूँ, आतंक का नकाब खोल रहा हूँ, आतंक का नकाब खोल रहा हूँ, धधकते हुए सुलगते हुए घाटी के बीच में पुलवामा बोल रहा हूँ। जब दिन में व्यस्तता सारा देश, तब इंसान बदल कर आया शैतान का बेस, छिन्न विचिन्न हो गया धमाके से मेरा तन बदन, कैसे दूं घर वालों को एक सिपाही के शहादत का संदेश। देश के दुश्मन जो है गद्दार, इसलिए मैंने मानी है यार, वरना दुश्मन में का है दम, जो मेरे सीने पर तांडव करे और धमकियां दे बार बार। आंगन में खेल रही मेरी बच्ची को मेरा पैगाम देना, पापा तुम्हारे खिलौना लेकर लौटेंगे, ऐसी जुबान देना। जब वो मुझसे मिलने की जिद कर बैठे तो बुलंद हौसलों का आसियाना देना
बरामदे में अनाज से कंकड़ निकालते हुए दिखेंगी मेरी माँ। बरामदे में अनाज से कंकड़ निकालते हुए दिखेंगी मेरी माँ, तब उसे मेरे सोरे की कहानी बताना, तब उसे मेरे सोरे की कहानी बताना, जब वो पूछेंगे मेरे खैरियत की खबर, जब वो पूछेंगे मेरे खैरियत की खबर, तो सरहद पर जंग चलने का बहाना बताना, तो सरहद पर जंग चलने का बहाना बताना। सरसों के बीज बोते हुए दिखेंगे मेरे बूढ़े पिता, सरसों के बीज बोते हुए दिखेंगे मेरे बूढ़े पिता, मैली कमीज और फटी धोती पे वो हल चलाता, मैली कमीज और फटी धोती पे वो हल चलाता, जब वो पूछेंगे मेरे आने का समय, जब वो पूछेंगे मेरे आने का समय, तब खराब मौसम का हवाला बता, तब खराब मौसम का हवाला बता। लहरों के खुशबू संग वो मोहब्बत की खुशबू बिखेरती, लहरों के खुशबू संग वो मोहब्बत की खुशबू बिखेरती, चूड़ी और पायल की खनखन आवाज़ आती, चूड़ी और पायल की खनखन आवाज़ आती, जब तुम मेरा अंतिम संदेश लेकर पहुँचोगे, तो रोते बिलखते हुए वो मेरी तस्वीर लेकर आती, तब रोते बिलखते हुए वो मेरी तस्वीर लेकर आती। मेरे शहादत को मत हो जाने दो बेकार, मेरी शहादत को मत हो जाने दो बेकार, यह बिनती है तुमसे मेरे यार, यह बिनती है तुमसे मेरे यार, मेरी मृत्यु है मेरा सबसे बड़ा विजय, मेरी मृत्यु है मेरा सबसे बड़ा विजय, क्योंकि मेरे सीने पर लिखा है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अब हम कविता के आज की इस चौपाल के, सतमोला की चौपाल के अनंतिम पायदान पर हैं, और समय हो रहा है वीडियो सेगमेंट का। हम स्वागत करते हैं उनका सतमोला कवियों की चौपाल में। तो मैं स्मृति कुमकुम पटना बिहार से प्रस्तुत है एक गीत जिसका शीर्षक है डूबती नैया मेरी। तो सुनिएगा ये गीत, प्रेम श्रृंगारी गीत है, प्रस्तुत करती हूँ। तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम ही तो संसार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम ही तो संसार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम ही तो संसार थे जब डूबती नैया मेरी। प्रेम अंकुर बीज बनकर था हृदय में पाश सा, प्रेम अंकुर बीज बनकर था हृदय में पाश सा, प्रेम अंकुर बीज बनकर था हृदय में पाश सा, मोहब्बत के द्वार थे जब डूबती नैया मेरी, मोहब्बत के द्वार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी। दूसरा अंतरा है, किस तरह से दर्द दिल का भी दबाने में लगे, किस तरह से दर्द दिल का भी दबाने में लगे, भूल सकते हैं नहीं पर हम भुलाने में लगे, तोड़ कर बंधन वो सारे गांव अपने चल दिए, तोड़ कर बंधन वो सारे गांव अपने चल दिए, रास्ते बेजार थे जब डूबती नैया मेरी, रास्ते बेजार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी। और अंतिम मंत्रा है, सोचती हूँ
सोचती हूँ दिन भी क्या थे रात भी अर्पण मेरी, सोचती हूँ दिन भी क्या थे रात भी अर्पण मेरी, जब तुम्हें मेरी जरूरत, जब तुम्हें मेरी जरूरत साथ भी अर्पण मेरी, मैंने सोचा जिंदगी भर का तुम्हारा साथ हो, मैंने सोचा जिंदगी भर का तुम्हारा साथ हो, तुम किसी के प्यार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम किसी के प्यार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम ही तो संसार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी, तुम नदी के पार थे जब डूबती नैया मेरी। आशा है आप सबको ये गीत पसंद आया होगा, धन्यवाद। दोस्तों समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, मन तो नहीं हो रहा है लेकिन इस वादे के साथ में मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं कि अगली बार फिर हम आएंगे आपसे पुनः जुड़ने के लिए देश के वरिष्ठ कवियों के साथ में, देश के नवांकुर कवियों के साथ में। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया देना जरूर न भूलें, और ये प्रतिक्रिया देने का सबसे आसान तरीका है आपका अपना वही व्हाट्सएप, उस व्हाट्सएप से आप 9711182183 इस नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। साथियों अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कि आज देश के हजारों कवियों को एक पहचान देने में पिछले 18 वर्षों से अनवरत साहित्य की साधना कर रहा है, ये सतमोला कवियों की चौपाल आपका स्वागत करता है कि आप आए और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर 9711182183 पर कॉल करें और जुड़े हमारे साहित्य से, हमारी साधना से, हमारी कवियों की चौपाल से। जय हिंद। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवियों की चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह मित्तल जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है।
आज और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवि हुए चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला कवि से जुड़ा कवि हुए चौपाल से तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया और सतमोला परिवार बहुत जुड़ के रिच के साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ कुछ भी पचाओ।